यकीनन आखिरी जुम्मा हम सब मुसलमान जिस तरह कुछ की आज़ादी के लिए मनाते थे और वो एहतजाज और वो रैलियां और वो प्रोग्राम जो है वो कुछ और फलस्तीन की आज़ादी के लिए ऑर्गेनाइज करते थे, शायद उस तरह हम ना कर पाए क्योंकि बहरहाल हालात आपके सामने हैं। लेकिन अगर कहीं पर SOPs का ख्याल रखते हुए, प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए अगर हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। हद्दअकल अपनी गाड़ियों के जरिए से फलस्तीन के फ्लैग को या अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने IDPs को, अपनी IDs को, पिक्चर मैसेजेस को चेंज कर के पूरी आलम इंसानियत को बताएं कि हम इस हालत में भी फलस्तीन के मसले को नहीं भूले हैं। और क्योंकि याद रखिए, जब तक फलस्तीन आज़ाद नहीं होगा उम्मत मुस्लिमा अपने उस असल हदफ तक नहीं पहुंच सकती। कुछ पहला किबला है मुसलमानों का, उसे आज़ाद कराना हर मुसलमान पर वाजिब है। इसलिए इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने रमज़ान के आखिरी जुम्मे को जो है वो कुछ की आज़ादी से जो है वो उसे इनहार किया। हमें भी चाहिए कि जिस तरह हो सके अपने कदमों को, अपनी जबान को, अपने हर एबिलिटीज को कुछ की आज़ादी के लिए इस्तेमाल करें। अल कुछ सोलाना।